नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में न केवल आपको बल्कि लगभग जितने इसके शेयर होल्डर हैं सभी कंफ्यूज हैं, किस समय इस स्टॉक को होल्ड करें, एग्जिट करें, क्या फ्रेश बाइंग यहां ले सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को काफी सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। साथ में एक बड़ी खबर ट्रेंड हो रही है उसको समझेंगे और आगे के लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहेंगे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और टारगेट करते हैं कि जो भी हमारे चाहने वाले हैं लगभग 200 लाइक्स इस वीडियो को टारगेट करते हैं कल शाम तक का। तो इस समय इस स्टॉक में एक बड़ी खबर ये दिखी है कि जो पार्शियली पेड अप शेयर थे उसको फुल्ली पेड अप कर दिया है और लगभग 14.5 लाख शेयर कंपनी ने पार्शियली पेड अप से फुल्ली पेड अप करा है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी ने शेयर इशू करे उसके बदले कंपनी को और पैसा नहीं चाहिए। तो ये एक खबर रही है। इसके अलावे वन साइडेड ट्रेंड के बाद इस समय स्टॉक नो ट्रेडिंग जोन में है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग इस प्राइस पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे फाइंड आउट होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाजार में 5000 और भी स्टॉक हैं। मेरे क्या व्यूज हैं उसको मैं काफी सिंपली वे में समझा देता हूं। अगर आपकी बाइंग ऑलरेडी है और आप मोर देन 1 ईयर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो नो नीड टू वरी जैसे बातें आपको समझनी चाहिए कि इस स्टॉक में आपको वरी करने के यानी परेशान होने के कोई भी कारण नहीं है। ये ट्रेंड 400% के हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल इसीलिए होंगे क्योंकि ये ट्रेंड जो है फंडामेंटली सपोर्ट के कारण हुआ है। कंपनी में FIDI की होल्डिंग बढ़े, कंपनी डेट फ्री हुई है और विंड एनर्जी का सबसे बड़ा कंपनी इस समय इंडिया के अंदर इवन विश्व के अंदर ये है। और जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी के डिमांड बढ़ रहे हैं इस स्टॉक के ऑर्डर बुक बढ़ेंगे और ये ट्रेंड सस्टेनेबल अपर साइड जाएगा। तो इस चीज को समझे कि अगर ऑलरेडी आपकी बाइंग है और आप होल्ड कर सकते हैं तो बने रहें, बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। लेवल्स की बात मैंने कई बार करा है कि नेक्स्ट ट्रेंड तभी इस स्टॉक में दिखेगा जब ये 45 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग देता है। जो मेरे टारगेट थे वो अभी भी पेंडिंग है। 55, 66 और 82, ये तीन टारगेट मैं नेक्स्ट मैक्सिमम 1 ईयर टू 2 ईयर में प्रिडिक्ट करता हूं। और वीकनेसेस तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दो मेजर सपोर्ट इस स्टॉक में है। पहला सपोर्ट नियर अराउंड 32 से 34 का और दूसरा सपोर्ट नियर अराउंड 25 का। और ये सपोर्ट ऐसा सपोर्ट है जहां से अगेन एक बायर स्ट्रांग डिमांड दिख सकता है। तो यहां पैनिक करने की कोई भी बात नहीं है, बजाय की होल्डिंग बने रहने का। फ्रेश बाइंग करते हैं तो थोड़ा बचे, एक रिवर्सल जोन का वेट करें, जो कि हमने कहा कि 34 से लेकर के 36 का पहला जोन है और दूसरा जोन है 25 से 27। ये ऐसे जोन है जहां ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आपकी होराइजन मोर देन 7 to 10 days और 1 month के ही हैं, लोअर लेवल के बायर हैं, तो श्योरली एग्जिट करें। हो सकता है कि ये स्टॉक 32-30 तक के लेवल्स दिखे, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि होल्डिंग अगर हो मोर देन 1 ईयर तभी होल्ड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल एग्जिट करें, ये 10-12% के अप्स एंड डाउन्स को आप नहीं पकड़ पाएंगे। राकेश जी ने कहा था कि जो लोग कहता है कि मैं ऊपर बेचता और नीचे खरीदता हूं वो या तो झूठ बोल रहा है या भगवान है, और भगवान तो कोई है नहीं, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो 10-5% के अपर साइड लोअर साइड को नहीं देखेंगे। तो इसीलिए अगर अगेन कहूंगा होल्डिंग करना है तो बने रहें, होल्डिंग नहीं करनी है तो एग्जिट करें। बाइंग या तो 45 के ऊपर करेंगे या 34 के नीचे का वेट करेंगे। और इस समय कंसोलिडेट वॉल्यूम में है और जब भी स्टॉक 300-400% के दिखे तो हो सकता है कि ये 6 month के लिए कंसोलिडेट फॉर्म में ही रहे, विद इन 36 और 45 के बीच में, ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। ओवरऑल मेरे व्यूज अभी भी स्ट्रांग हैं, यहां पैनिक करने की कोई भी बात नहीं है। और 410 करोड़ के जो म्यूचुअल फंड के सेलिंग थे वो एब्जॉर्ब होते हुए दिखे हैं, इसीलिए स्टॉक इस समय भी अपर लेवल के प्राइस पे ट्रेंड होते दिख रहा है। और जब ये ASM 4 से निकलेगा तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड आएगी वो इस स्टॉक को 55 जो मेरा पहला टारगेट है उसको हिट करते दिखेगा। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। आगे के कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछेंगे। थैंक यू।